गया, कहीं भी गया, जहां जहां भी गया, कि उस आर्टिस्ट का गाना है, कि उस आर्टिस्ट का गाना हमेशा मैं गाता हूं और उसी से अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता हूं। आज हालात के हिसाब से मैंने आपको सुनाया, इंस्पिरेशन भी है ये और मेरे मुल्क का वकार भी है और फख्र भी है। हम इन्हें याद करते हैं और किसी भी मुल्क के किसी भी आर्टिस्ट से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं कि है कोई ऐसी आवाज़, वो नहीं है, उनकी आवाज़ है, उस आवाज़ को हम कैरी करते हैं। और मैं हमेशा शुरू ही उस आवाज़ से करता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ आप सबके फेवरेट अहमद रुश्दी साहब। Yeah.
तस्वीर के लिए आप लोग मेरा गाना दबा कर लो।
जब लोग हार्ड रॉक गाके चले गए, परफॉर्मेंस करके चले गए, तो मैं शुरू से करता हूँ वहाँ दुनिया में मेरी कोशिश होती है रुष्टि भाई के लिए गाने से शुरू करूँ। तो ये प्यार मिला था और आप लोग भी इतना प्यार करते हैं, मैं ही चाहता हूँ कि एक मरतबा आप लोग सब रुष्टि भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। अब आप देखिए रुष्टि भाई जो थे वो गानों में एक्सप्रेशन को बड़ी तवज्जो देते, एक उनका टोन बहुत अच्छा था और वो एक्सप्रेशन जो थे ना वो आज तक मुझे याद है। वो हल्का हल्का सा आपको मैं बता दूंगा। फसाना मोहब्बत का छेड़ा छेड़ा छेड़ा, राइट, इट्स जस्ट अ टच। तो टच के लिए आपको एक्सप्रेशन विस्पर का देना है और विस्पर उसके आवाज में नेचुरल था, वो विस्पर और उनके जो आवाज का जो थ्रो था वो मिक्स होता था। फसाना जाने के लिए बात करें उसके लिए आपको फेड आउट करना है, उसको आपको सस्टेन रखना है कि कोई चीज लगे आपको जा रही है। अब इतने से टाइम में आपको लगे कि कोई चीज जा रही है, चाहे मेरा सुनिएगा कि मैं नहीं कह रहा हूं, रुष्टि भाई को मैंने मोटरसाइकिल पर भी घुमाया मैंने खुद, तो वो कोई ना कोई चीज ऐसी बताते थे जो मेरे जहन में रहती थी। जब चाय देखेगा